मदरसों में बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से पैसे आते हैं। कुछ आतंकवादी संगठन भी अवैध रूप से चल रहे मदरसों को फंडिंग कर रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में ज्यादातर मदरसे सऊदी अरब के भेजे पैसे से चल रहे हैं। सही शिक्षा नहीं मिलने से आतंकवाद के रास्ते पर जाते हैं मदरसे के छात्र। शिमूली और लालगोला मुर्शिदाबाद में महिलाओं को बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मदरसों के पाठ्यक्रम नौकरी देने वाले नहीं हैं। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली के मुताबिक मदरसों का नाम स्कूल कर देना चाहिए। जो रजिस्टर्ड मदरसे नहीं हैं, उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।